तो आज हम लोग बात करेंगे WBHS के 11th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। तो आप लोग को पता है कि वेस्ट बंगाल काउंसिल की तरफ से हम लोग का सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो हम लोग का जो हिंदी में टोटल चैप्टर है वो है 12, और जिसमें से 8 पढ़ना है और 4 नहीं पढ़ना है। तो 8 जो 4 चैप्टर नहीं पढ़ना है, मैं उस चैप्टर का नाम बताता हूँ। तो 1 नंबर में है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, और 2 नंबर में है आज़ादी की नींद, और 3 नंबर में है घनादन के पद, और 4 नंबर में है अरि वरुणा की शांत कछार। ये जो चैप्टर है 4 हम लोग को नहीं पढ़ना है। और जो हम लोग का 8 चैप्टर पढ़ना है उसका सबसे पहला चैप्टर है महाजनी सभ्यता। तो इसका हम लोग MCQ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और जो जो चैप्टर हम लोग का नहीं आएगा उसका वीडियो अपलोड नहीं होगा, और जो जो चैप्टर होगा उसी का वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, धन्य वह सभ्यता यहाँ किस सभ्यता का उल्लेख किया गया है? तो क में है जागीरदारी सभ्यता, ख में है समाजवादी सभ्यता, और घ में है महाजनी सभ्यता, और घ में है समाजवादी सभ्यता। तो आप लोग को में से जिसको भी आंसर पता होगा वो कमेंट करेंगे, और नहीं पता है तो फिर मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर है घ यानी महाजनी सभ्यता। और क्वेश्चन नंबर 2 है, उनमें से एक यह है कि समय ही धन है, वक्ता कौन है? आप लोग बताइए इसमें से वक्ता कौन है, अज्ञा होगा या मनीषा कुलश्रेष्ठ या मुंशी प्रेमचंद या विधान निवास मिश्र जी। इस क्वेश्चन का कहने मतलब है कि उनमें से एक यह है कि समय ही धन है, वक्ता यानी लेखक कौन है? तो आप लोग का आंसर पता था, आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में। तो इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 3, मानव स्वभाव अखिल विश्व में एक जैसा ही है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? फिर वही बात कह रहा है कि इस पंक्ति के रचयिता कौन, मतलब लेखक कौन है? तो आप लोग बताइए विधा निवास मिश्र होगा या अज्ञा होगा या हरिशंकर प्रसाद जी होगा या प्रेमचंद। तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 4, मान प्रतिष्ठा की लालसा दिल से मिटाई नहीं जा सकती, पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह किससे लिया गया है, बहता पानी निर्मला या महाजनी सभ्यता या बिगड़े बच्चे या मैं से बोल रहा हूँ? तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है महाजनी सभ्यता से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, तो मनुष्य समाज 2 भागों में बांटा गया है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है बताइए। तो इसका लेखक प्रेमचंद होगा या यशपाल होगा या विधान निवास मिश्र या जरेंद्र होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेमचंद। उसमें से क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भावुकता के लिए गुंजाइश नहीं है, उसमें से क्या संकेत है? तो आप लोग बताइए क्या संकेत है, नर्क होगा या व्यवसाय होगा या भ्रमण होगा या नौकरी होगा? तो इसका जो जवाब है ख यानी व्यवसाय होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बौद्ध धर्म ने कहाँ जन्म ग्रहण किया? श्रीलंका, उत्तर भारत, पूर्व भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग को जवाब पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है उत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 8, नई सभ्यता का अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है बताइए, महाजनी सभ्यता या समाजवादी सभ्यता या पूंजीवादी सभ्यता या राजतांत्रिक सभ्यता? तो इसका जो आंसर है वो होगा समाजवादी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 9, आज दुनिया में महाजनों का ही राज्य है, यह किस पाठ से लिया गया है? तो आप लोग को पता है कि यह किस पाठ से लिया गया है, तो जिनको पता है वो कमेंट करें, और जिनको नहीं पता है तो मैं आंसर बता रहा हूँ। तो ये जो लिया गया है जिस पाठ से, उस पाठ का नाम है महाजनी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेमचंद हिंदी से पूर्व किस भाषा में लिखते थे? तो आप लोगों को पता है कि किस भाषा में लिखते थे, बंगला या अवधी या पंजाबी या उर्दू? तो प्रेमचंद हिंदी से पूर्व किस भाषा में लिखते थे, तो वो लिखते थे उर्दू भाषा में। और क्वेश्चन नंबर 11, सारे मानवीय आध्यात्मिक और सामाजिक नेह नाते समाप्त, यह किस पाठ से लिया गया है? तो आप लोग बताइए किस पाठ से लिया गया है, या बिगड़े बच्चे से लिया गया है, या आज़ादी की नींद से लिया गया, या महाजनी सभ्यता से लिया गया, या बहता पानी निर्मला से लिया गया, आप लोग बताइए। तो इसका जो जवाब है वो होगा महाजनी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 12, ये सारी बुराइयां तो दौलत की दीन है, प्रस्तुत कथन किस पाठ से लिया गया है? बहता पानी निर्मला, मैनक से बोल रहा हूँ, महाजनी सभ्यता, बिगड़े बच्चे? तो इसका जवाब क्या है आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए। तो इसका जवाब है महाजनी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 13, शराब पीकर वहाँ बहका नहीं जा सकता, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा महाजनी सभ्यता। और क्वेश्चन नंबर 14, वह पठितम प्राणी, यह वाक्य किस पाठ से लिया गया है? तो आप लोग बताइए, ये भी लिया गया है महाजनी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेमचंद ने महाजनी सभ्यता किसे कहा है? पूंजीवादी सभ्यता, प्रजातांत्रिक सभ्यता, निरंकुश सभ्यता, समाजवादी सभ्यता? आप लोग बताइए इसमें से किसे कहा है। तो इसका जवाब है पूंजीवादी सभ्यता। प्रेमचंद ने महाजनी सभ्यता पूंजीवादी सभ्यता को कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, नई सभ्यता का सूर्य किधर से उदय हो रहा है? पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से? तो इसका जवाब है पश्चिम से। क्वेश्चन नंबर 17, साम्राज्यवाद के आवश्यक साधन क्या थे? मनुष्य के अच्छे भाव, दूसरे देश पर चढ़ाई करना, बुद्धिवानी और मूक आज्ञा पालन, गुणों की कदर करना? तो इसका जवाब क्या है आप लोग बताइए। तो इसका जो जवाब है वो है
बुद्धिवाणी और मुख आज्ञा पालन। क्वेश्चन नंबर 18, मानव भाव को किसने पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया, बताइए इसका क्या जवाब होगा। कुलीनता और शराफत ने, डॉक्टर और हकीम ने, वकील और बैरिस्टर ने, धन लोभ ने। मानव भाव को किसने पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया, तो वो उसका जवाब है धन लोभ। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य एक निष्ठ भाव से किसकी उपासना करने को मजबूर है, बादशाह की उपासना, डॉक्टर वकीलों की उपासना, धन की उपासना, महाजन सभ्यता की उपासना, तो इसका जवाब है धन की उपासना। क्वेश्चन नंबर 20, इस सभ्यता का दूसरा सिद्धांत क्या है, दोस्ती बुरी है, बिजनेस में दोस्ती कैसी, समय नष्ट करना लाचारी है, धन की उपासना बुरी है, तो इस सभ्यता का दूसरा सिद्धांत क्या है, बिजनेस में दोस्ती कैसी। क्वेश्चन नंबर 21, गहनों से लत्र कोई स्त्री क्या बनती है, ये सवाल मैं बार बार सुना हूँ अपने दोस्तों के मुँह से, तो इसलिए मैं इसका डायरेक्ट जवाब बताता हूँ, तो इसका जवाब है गृहिणी का पात्र। गहनों से लत्र कोई स्त्री क्या बनती है, तो गृहिणी का पात्र। क्वेश्चन नंबर 22, महाजनी सभ्यता की आत्मा किसे कहा गया है, छायावाद को, व्यक्तिवाद को, प्रगतिवाद को, प्रयोगवाद को, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है, तो ये इसका आंसर है व्यक्तिवाद को। महाजनी सभ्यता की आत्मा किसे कहा गया है, व्यक्तिवाद को। तो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, आप लोग इसको याद कीजिएगा और इसको इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।